आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मुझे नजर आया जो कि कर्नाटक का बताया जा रहा है, जहां पर एक बस है, बस में कंडक्टर है, कंडक्टर ने जो उसकी यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई है, लेकिन साथ ही में उसने टोपी लगाई हुई है। मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरह की टोपी लगाते हैं ये उस तरह की टोपी है और इसका रंग हरा है। इस शख्स ने ये टोपी लगाई हुई है, लेकिन जो बस में सफर करने वाली एक महिला है वो, हालांकि कन्नड़ भाषा है, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स को पकड़ के इनकी कॉन्वर्सेशन को मैंने समझा है। और सोशल मीडिया पर चूंकि अलग अलग अकाउंट के जरिए इस वीडियो को पोस्ट किया गया, और ये बताते हुए कि ये जो महिला थी उन्हें आपत्ति थी इन शख्स के इस टोपी को पहनने से लेकर, इसीलिए उसने सवाल उठा दिया और उसने कह दिया आपकी यूनिफॉर्म का हिस्सा ये टोपी तो है नहीं, इसलिए आप इस टोपी को हटाइए। ये जो शख्स हैं, जो कंडक्टर हैं बस में, वो थोड़ी देर तक अपनी बात रखते हैं या फिर ये कहीं अपनी बात कहते हैं और बताते हैं कि टोपी उन्होंने क्यों पहनी हुई है, किस लिए पहनी हुई है, और आखिर में वो बहस को और ज्यादा आगे बढ़ाते नहीं है। और बिल्कुल एंड में आप वीडियो में देखेंगे वो अपनी इस टोपी को उतार कर रख लेते हैं बिना किसी नई बहस को छेड़ते हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बस के अंदर का वीडियो है, यानी कि बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर किस तरह से यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्या नियम वो इस तरह के फॉलो करते भी हैं या नहीं करते, क्या वहाँ पर यूनिफॉर्म इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, और बस में सफर करने वाली महिला को भला इस टोपी से क्या दिक्कत थी, ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। मैंने भी जब ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि एक हंसता मुस्कुराता सा शख्स है जो आपकी बातों का जवाब भी दे रहा है, उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई है लेकिन एक टोपी उसने लगाई हुई है, इस टोपी से महिला को आपत्ति थी और उसने वो टोपी उतरवा ली। खैर, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोगों ने शेयर भी किया और लोगों ने फिर पूछा भी कि जिस महिला ने ये टोपी उतरवाई है क्या वो महिला या फिर उनके जैसी और महिलाएं या फिर पुरुष या और ऐसे लोग वो क्या हिम्मत कर सकते हैं किसी सिख से इस तरह की बहस करें, सिख की पगड़ी उतरवा दे, या फिर किसी ब्राह्मण से वो बहस कर सकते हैं कि अपना जनेऊ उतार दे, या फिर आपको जो हिंदू लोग होते हैं जो तिलक लगाकर रास्ते पर चलते हैं या फिर बस में चलते हैं, क्या कोई हिम्मत कर सकता है ये कहने की कि आप अपना तिलक हटा दीजिए, या फिर कलावा पहना होता है। कई ऐसी धार्मिक चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं, धर्म को इंडिकेट करती हैं, जो हम आमतौर पर यूज कर लेते हैं, कलावा पहन लेते हैं, या हमने तिलक लगाया होता है, या फिर हमने जनेऊ पहना होता है, या फिर सिख पगड़ी पहनते हैं। ये सब धर्मों से जुड़ी हुई अलग अलग मान्यताएं हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। तो भला एक ही धर्म के खिलाफ इस तरीके से अगर आप बिगुल फूंक देंगे या बड़े क्रांतिकारी बन जाएंगे तो लोग आप पर सवाल उठाएंगे। इस वीडियो को लेकर इसी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना के साथ साथ कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा उन्हीं सभी ट्वीट से निकालकर एक सार मैंने आपके सामने रखा है। ये वीडियो मेरे सामने आया, कन्नड़ भाषा में है, हालांकि आप भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आपको क्या एहसास हुआ, क्या इस टोपी से इतनी दिक्कत होनी चाहिए थी, वो भी कोई सरकारी दफ्तर या फिर कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है, ये बस है, बस में सफर करने वाला कंडक्टर है जो अपनी ड्यूटी कर रहा था यूनिफॉर्म में, बस एक टोपी उसने एक्स्ट्रा लगाई हुई थी। आप क्या सोचते हैं, टोपी से वाकई दिक्कत होनी चाहिए थी क्या, और अगर टोपी से दिक्कत होनी चाहिए तो जिन जिन चीजों का मैंने जिक्र किया क्या उनको लेकर भी दिक्कत होनी चाहिए, और क्या उनको लेकर भी आवाज उठाना चाहिए, क्या धर्म को लेकर इस तरह की बहस छिड़नी चाहिए, बताइएगा। ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಗ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೂ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಕೆಲಸ, ಅದು ನಿಮ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವ್ ಹಾಕದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೀವಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ.
ಹೇಗಿದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಬಿಡು.